नमस्कार, मैं पूजा गौर और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आजकल बाजारों में तरह तरह के विंड चाइम देखने को मिल रहे हैं जो काफी खूबसूरत और आकर्षक होते हैं। लोग इनकी मीठी सी आवाज सुनकर और इनकी बनावट से आकर्षित होकर इन्हें घर ले आते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार भी विंड चाइम का काफी महत्व होता है। फेंगशुई में इसका विशेष महत्व बताया गया है। विंड चाइम का प्रयोग प्राचीन काल से ही भारत में होता आया है और ये पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित और किस्मत और कामयाबी के दरवाजे खोलता है। लेकिन विंड चाइम का पूरा लाभ आपको तभी मिलता है जब फेंगशुई के नियम के अनुसार आप ध्यान में रखते हुए इसे घर में लगाएं। तो बाजार से लाकर बस इसे किसी भी दिशा में लगा देने से गुड लक की जगह बैड लक आता है। तो विंड चाइम लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए हम आपको वो बताते हैं। धातु निर्मित विंड चाइम को हमेशा अपने घर की पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ लगाना चाहिए। वहीं लकड़ी से बने विंड चाइम को हमेशा पूर्व और दक्षिण दिशा की तरफ लगाना चाहिए। घर के बेडरूम में विंड चाइम लगाने के लिए 9 रॉड वाला विंड चाइम लाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह बना रहता है। घर के दरवाजे या फिर घर के किसी भी बड़े कमरे में छोटा विंड चाइम नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं जाती है। घर की गलत दिशा में विंड चाइम को लगाने से आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। विंड चाइम को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए कि कोई भी उसके नीचे से होकर गुजरे या फिर आकर बैठे या फिर उसके नीचे से गुजर जाए। इसकी आवाज मधुर होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माहौल खुशनुमा बना रहता है। विंड चाइम को खरीदते समय इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि विंड चाइम भीतर से खाली हो ताकि बेहतर आवाज पैदा हो सके। ये तो थी विंड चाइम से जुड़ी जानकारी। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।